हेलो गाइस, मैं राजेश कुमार मौर्य और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आर पृथ्वी ब्लॉग्स पे। तो मैं अभी घर से निकला हूँ और घर में सो के उठा हूँ तो मैंने देखा मेरे बच्चे लोग यहाँ पे हैं नहीं, तो वो पार्क घूमने चले गए। मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने कहा पापा आप पार्क में आ जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक छोटी सी वीडियो और बना दूँ आपको, तो अपने मोहल्ले का जो पार्क है तो वो पार्क दिखाता हूँ जिसका नाम इको पार्क है। तो ये खड्डा कॉलोनी और अर्पण विहार के बीच में पड़ता है। तो चलिए मैं पार्क चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ पार्क की वीडियो। और मेरे बच्चे वहाँ पे खेल रहे होंगे, मेरा वेट कर रहे हैं। तो रास्ते से मैंने कुछ सामान लिया है तो वो भी ले जाऊँगा, पार्क होते हुए फिर घर जाऊँगा तब लेके जाऊँगा मैं। तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं पार्क की तरफ चलते हुए, तो पार्क मेरा आने वाला है तो आप सब बने रहिएगा वीडियो में। ये देखिए ये पार्क आ चुका है, ग्राउंड है। यहाँ पे बच्चे संडे के दिन क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल और हॉकी वगैरह सब कुछ खेलते हैं जो भी है। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो ये अर्पण विहार ये सामने पड़ता है इधर, और ये है खड्डा कॉलोनी जैतपुर के अंदर पड़ता है। तो उन दोनों के बीच में ये पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच में ये ग्राउंड आता है, पार्क है ये। तो मैं अभी ये पार्क आ गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उसमें खेल रहे हैं। ये बहुत बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही पार्क है खड्डा कॉलोनी और अर्पण विहार के बीच में। तो यहाँ पे संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है तो बच्चे काफ़ी आते हैं और यहाँ पे खेलते हैं। तो यहाँ पे अभी कोने पे इधर घास वगैरह भी लगाई थी बट गर्मी के कारण ये काफ़ी सूख गए। और यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी खेलते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो जिस कारण ये घासें सूख जाती हैं फिर उजड़ जाती हैं। तो ये देखिए आपको मैं ग्राउंड दिखा रहा हूँ, काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ खेल रहे हैं। ये है पार्क का गेट, वृक्ष रक्षा मंच ये एंट्री कर चुका हूँ। ये देखिए आप काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पे जो खेल रहे हैं ग्राउंड में। ये देखिए यहाँ पे कहीं ही मेरे बच्चे भी होंगे, कहाँ है। ये देखिए ये मेरा बेटा आ गया, ये है पृथ्वी। हाय, कब आए? 10 मिनट पहले। ओके, तो ये मेरा बेटा है पृथ्वी मौर्य। तो ये यहाँ पे घूम रहा है, खेल रहा है। ठीक है जाओ एंजॉय करो। बहन कहाँ है तुम्हारी? और वो रही मेरी बेटी। ये देखिए ये है पार्क, जिम जो ओपन जिम बनता है वो है मेरी बेटी, वो वहाँ पे पार्क में बैठी है। तो ये ओपन जिम है, यहाँ पे एक्सरसाइज करने लोग आते हैं दोनों कॉलोनियों से, खड्डा कॉलोनी और अर्पण विहार से। तो यहाँ के जो निगम पार्षद है के शुक्ला, तो उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं काफ़ी एक्सरसाइज वाली मशीन है। ये मेरी बेटी है, जाओ ठीक है खेलो आप। तो ये लगाई हैं उन्होंने मशीनें लगाई हैं यहाँ पे, काफ़ी दोनों कॉलोनी के बच्चे और बड़े बूढ़े, औरतें महिलाएं सब आते हैं। तो वो लोग खेलते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज करिए और फिट रहिए। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट हर जगह पे मोहल्ले मोहल्लों में ये ओपन जिम लगवा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि बहुत सारी मशीनें हैं और इस पर बहुत सारे बच्चे और बड़े बूढ़े महिलाएँ सब एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चे लोग कुछ इसे झूले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे एक्सरसाइज इस पर की जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरी वाइफ और मेरी बेटी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, पार्क में खेलने आते हैं तो ये थक गए यहाँ पे भी, तो इसलिए ये बैठ गए हैं। तो दोस्तों आप जहाँ भी रहें, मेरे कहने का मकसद जहाँ भी रहें, आपके मोहल्ले में ओपन जिम हो या पार्क वगैरह हो, तो आप जाइए वहाँ पर शाम को और बच्चों को भी लेके जाइए, बड़े बूढ़े महिलाओं को भी लेके जाइए, ताकि वो अपना पार्क में घूमें फिरें, एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें।
तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही था कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और घूमें खेलें फिरें और खाएं पिए भी। तो फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। तो जो लोग नए हैं उनके लिए कहता हूँ, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर कीजिए। और मुझसे अगर कोई कमी हो या कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं उसको आगे सुधारने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं भी अभी तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूँगा मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। आपने मेरी पुरानी वीडियो को काफ़ी प्यार दिया तो इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ आप मेरे साथ बने रहें और मुझे काफ़ी सारा प्यार करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, अपने भाई को राजेश कुमार मौर्य को। ओके ओके बाय, धन्यवाद।